हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। कुछ लोगों से कंसर्न खा के मेरे पास पूछ रहे थे कि सर, भारत तो एकता का प्रतीक था, अब ये क्या होने लग गया। बट एनीवेज छोड़ो, अब हम जिस प्रतीक की बात करने वाले हैं वो ये है कि लोग बाकी सब चीज़ों को छोड़ के एक पॉजिटिव माइंडसेट से एक मूवी जो IMAX 4D 2D 3D हिंदी तमिल तेलुगु के अंदर आने वाली है, उसके अंदर काफ़ी अच्छा रुझान दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बोलूँगा कि जिस तरीके का इंटरेस्ट लेवल अभी है वो घंटों के हिसाब से काफ़ी मल्टीपल करोड़ रुपीस की बात हो रही है। यूजुअली जब कभी मैं वीडियो बनाता हूँ एडवांस बुकिंग के, तो ऑब्वियसली एक दिन का गैप होगा और फिर उसके बाद आपके साथ शेयर किया जाएगा, बट ये मल्टीपल करोड़ घंटों के हिसाब से बढ़ रहे हैं। ऑफकोर्स लोगों को तकलीफ भी होगी इससे, जिनको तकलीफ होती है, जो मूवीज़ को मूवीज़ की तरह नहीं देखते हैं, जो अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उसके अंदर भी रोना ढूंढ लेते हैं, ना जाने कैसे अलग ही आर्ट है। और ऐसे इंसानों के साथ जब कभी आप रूबरू होते हो तो कितनी कुड़न जलन ऐसे मतलब होता होगा कि यार टेंशन ब्लड प्रेशर इस तरीके की भावना आपको आती होगी। एनीवेज ये एक मूवी है पठान जो कि रिलीज होने वाली है जल्दी, और अब ऐसा लग रहा है कि जिस स्पीड से इसकी टिकटें बिक रही हैं, क्लोज टू 3 लाख टिकट्स आज मिडनाइट तक हो जाएंगी, और ये चैलेंज हो सकता है ब्रह्मास्त्र को कर ले। हिंदी मूवी जो काफ़ी अच्छी चली हुई कुछ रिसेंटली, 6 लाख टिकटें उसने बेची थी मतलब यानी कि रिलीज से पहले, तो क्या ये उसका उसको चैलेंज करके उससे आगे निकल जाएगी? अभी जिस स्पीड से ही शुरू हुआ है मामला, ऐसा लग रहा है बिल्कुल पॉसिबल है। साथ साथ में जो इसकी स्क्रीन है वो भी ठीक ठाक है। हिंदी सेगमेंट में ही सिर्फ 4500 स्क्रीन हैं, आप अभी तमिल तेलुगु तो अलग हो जाएगा। इसका मुकाबला वॉर से भी है इनडायरेक्टली आई वुड से, क्योंकि एक तो उसी फ्रेंचाइजी से आ रही है, उसी प्रोडक्शन हाउस से आ रही है, तो इस स्पाई थ्रिलर का उस स्पाई थ्रिलर से थोड़ा सा मुकाबला होगा जिसने 32 करोड़ रुपीस की ओपनिंग ली थी। अब इसका जो इंडिकेशन लग रहा है वैसा लग रहा है कि 50 करोड़ ये कर पाएगा, और वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन होगी इसकी फर्स्ट वीकेंड की 200 करोड़ होगी। अगर 200 करोड़ हो जाता है तो ये 500 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम बिजनेस करना आसान काम होगा। 200 करोड़ भी मुश्किल होगा अगर फर्स्ट डे फर्स्ट शो का कंटेंट ठीक नहीं हुआ। अब अगर हम बात करें कि जो शिफ्ट आया है एडवांस बुकिंग के अंदर, जब मैंने सुबह आपको बताया था कि 5-5.5 करोड़ रुपये की इसकी बुकिंग हुई है, वो टच कर रही है 9 करोड़ रुपए सेम दिन के अंदर। ठीक है, तो टिकटें मिलना मुश्किल हो रहा है। हिंदी की जो एवरेज टिकट प्राइस है वो भी 300 है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर तेलुगु की जितनी टिकटें बिकी हैं 10 लाख रुपए की वर्थ की, उसका एवरेज प्राइस है 135 रुपीज। ये कंसर्न रहा है हिंदी बेल्ट के ऑडियंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा टिकटें बहुत महंगी होती हैं, तभी वहाँ की ऑडियंस जो होती है वो उनका नेचुरल बिहेवियर OTT नहीं होता है बल्कि थिएटर होता है। बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं और फैमिलीज को लेके जाते हैं, और इसीलिए वो घर बैठ के इसको देखने ही नहीं चाहते हैं। बहरहाल हिंदी का जो टोटल है वो करीबन 8.9 करोड़ रुपीस हो गया है, जिसमें से मुंबई हैज रिजन फ्रॉम 75 लाख टू 1.2 करोड़ नाउ। सिमिलरली NCR जो है वो 1 करोड़ रुपीस से उठ के 1.35 करोड़ हो गया, ये लीड कर रहा है अभी। और शाहरुख खान है भी वैसे दिल्ली का ओरिजिनली, बॉम्बे में उसका जिसे कहते हैं कर्मभूमि है, जन्मभूमि NCR है, दोनों बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोलकाता और हैदराबाद निक टू निक चल रहे हैं, अराउंड 1 करोड़ रुपये करा है। बैंगलोर 1 करोड़ जल्दी टच करने वाला, अभी 75 तक है, कल तक टच कर जाएगा। तो कुल मिला के बाकी लॉन्ग टेल है। गांधीनगर के अंदर भी बुकिंग जो सुबह तक शुरू नहीं हुई थी, लोग थोड़ा सा डुबियस माइंड के अंदर थे, वो भी शुरू हो गया। तो कुल मिला के आपके पास अभी जो ग्रॉस कलेक्शन आ रही है वो 9 crore के आसपास आ रही है, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर, गुड नंबर। एंड वर्ल्ड वाइड जो आ रहा है वो 16 आ रहा है, जिससे आपको ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि शायद अगर इसकी कहानी राइट प्लेस में है, जैसा प्रॉमिस किया गया है, अगर ये सही है। बार बार मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोल रहा हूँ विदाउट शोइंग एनी बायसेस, बिकॉज ज़बरदस्ती किसी मूवी के बारे में ज़्यादा बात कर लो तो लगता है बायसेस हो गया, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैटर्स अ लॉट, अगेन आई एम सेइंग, रिपीटेडली आई एम सेइंग कि अगर ये ठीक चला गया देन 200 भी छोटा नंबर हो जाएगा। शाहरुख खान के बहुत फैंस हैं और काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। मैंने अभी एक इंटरव्यू भी सुना जो आज रिलीज़ हुआ है यशराज के चैनल के ऊपर, जॉन इब्राहिम का, उसके मुंह से भी ये निकला कि सिर्फ मैं नहीं वेट कर रहा हूँ, इंडियंस नहीं वेट कर रहे हैं, इवन फिरंगी लोग भी वेट कर रहे हैं कि शाहरुख खान को कब हम बड़े पर्दे पर जिस अंदाज में देखते हैं वो देखें। और यहाँ पर तो लार्जर देन लाइफ
कैरेक्टर है। और आप वैसे जॉन अब्राहम की जो कॉन्वर्सेशन है जरूर सुने, बड़े सुलझे हुए जवाब है और बहुत ही सोफिस्टिकेशन के दायरे के अंदर है। आज के डेट के अंदर हम मास के नाम पे सोफिस्टिकेशन भूल जाते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर सेंड टू स्कूल्स एंड गुड कॉलेजेस बिकॉज वी वॉन्ट टू बी बेटर पीपल, वी वॉन्ट टू स्टैंड इन द सोसाइटी, वी वॉन्ट टू बी अहेड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड वी वॉन्ट टू शो द वर्ल्ड दैट सभ्यता के दायरे के अंदर, सोफिस्टिकेशन के दायरे के अंदर भी हम सबसे आगे हैं। तो ये मेरा मानना है। और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके मेरे को बता देना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो इंस्टाग्राम पे सब लोग ज़्यादातर कनेक्टेड है, हमारा काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन चलता रहता है। वहाँ पर भी हैंडल मूवी शूवी ही है, फेसबुक भी है वैसे तो कहने के लिए, ट्विटर भी है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होते। सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हमारे जो होते हैं वो इंस्टाग्राम पे होता है। इट्स वेरी कन्वीनियंट, थोड़ा वन टू वन कॉन्वर्सेशन भी ईजिली हो जाती हैं। जल्दी मिलते हैं, तो देखते हैं कि पठान कहाँ तक जाता है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आपको क्या लगता है वो ज़रूर बताइए। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए कि वो क्या बोल रहा है, ये वो बोल रहा है, ये वो बोल रहा है, उनका काम ही है। फॉर एग्जांपल ये जेम्स ऑफ बॉलीवुड वगैरह, ये तो मतलब मैं चैनल सिर्फ दूर ऊपर से ही देखता हूँ। कुछ एक बोधी वाला आदमी बना हुआ था, शायद अमिताभ बच्चन की फोटो है, उसके बाद उसका काम ही है कि गलतियाँ ढूंढते रहना, वो आदमी गलत है। उसके बाद तो फिर बाकियों तो हमें पता ही है कि जो छोड़ो नाम भी नहीं लेने मुझे, तो जितने भी हैं ये सारे लोग उनको बस काटे मारो और ये देखो कि आप मूवी को कैसे एंजॉय कर सकते हो। मैंने इन सर्वे भी जो किया था आपको पता ही है कम्युनिटी चैनल के ऊपर भी, कि अगर राजा मौली साहब ने कुछ बोला मान लीजिए ऋतिक रोशन के लिए, तो उसमें से ज़्यादातर लोगों का जो सिलेक्शन पॉइंट आया या तो वो इधर आया कि मिट्टी पाओ और आगे चलो, मतलब फॉरगेट एंड मूव ऑन, बट सबसे ज़्यादा जो रुझान वो यही आया कि वी लव सिनेमा, हम सिनेमा को देखना चाहते हैं। ये इतने सेंसिबल लोग हैं और मैं इतना खुश हूँ कि ये वाले जो सेंसिबल लोग हैं जो सिनेमा को पहले रखते हैं वो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं किसी रूप में। आके अगर जुड़े नहीं हुए हैं, सब्सक्राइब भी नहीं किया है, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आके वो कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो लाइक माइंडेडनेस है एटलीस्ट। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता है, ये वो वाले लोग नहीं हैं जो बिल्कुल ही तमीज़ में नहीं रहते हैं या फिर उनके पर्सपेक्टिव लड़ने झगड़ने के हैं, उनकी लाइफ में और कुछ है ही नहीं, उनके एंटरटेनमेंट इस तरीके से होते हैं कि लड़ो और झगड़ो, ठीक है। इसी वजह से मुझे बिग बॉस भी पसंद नहीं है, कि मुझे किसी की लाइफ में इंट्रूजन चाहिए ही नहीं यार, लेट मी लिव एंड आई विल लेट यू लिव, राइट। तो इसीलिए मुझे बिग बॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं देख ही नहीं पाता हूँ उसको, क्योंकि बिकॉज अपना ही जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कई बार कि मैं दूसरे के जीवन में जाके उसके लाइफ में पिंग पोंग करता रहूँ, बड़ा डिफिकल्ट है। सीजन 1 या 2 मैंने देखा था, उसके बाद मैं हाथ जोड़ दिया, बड़ा मुश्किल है ये तो। ठीक है, बाय बाय।